कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर मनीष तिवारी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान ही मुकाबला है, बीजेपी मैदान से बाहर हो गई है। हैदराबाद में अपनी आमद के मौके पर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस इख्तदार में आने वाली है और यहां भी कर्नाटका की तर्ज पर आवाम को दी गई जमानतों पर अमल किया जाएगा। वो सारा संघर्ष हुआ, क्या उस मापदंड के ऊपर पिछले 9.5 वर्ष से जो प्रदेश में सरकार है, जब से सरकार चल रही थी, क्या वो उस मापदंड के ऊपर खरे उतरे? क्या वो तेलंगाना के लोगों के साथ जो वायदे किए गए थे उन वायदों को पूरा करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए? और एक चीज जो बहुत मुखर रूप से उभर के आती है कि तेलंगाना में साफ साफ तौर पर जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां पे जो टीआरएस जिसे अब बीआरएस कहते हैं उसकी सरकार है, उनमें सीधा सीधा तालमेल। अगर ये कहा जाए कि बीआरएस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो कोई गलत नहीं होगा, और उसके प्रमाण, जीते जागते प्रमाण आप सबके सामने है। लोकसभा में जब जब या संसद में जब जब ऐसा मौका आया कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की जरूरत पड़ी,